हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लवजी। यस, दिस इज़ द लवजी सीरीज जो कि हमने कल लॉन्च करा था। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया, कमेंट करा, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लोगों के रिस्पांस आए हुए हैं कि सर हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ही ईजी है बच्चा पार्टी, जैसा कि मैंने कल वीडियो में कहा था। अभी वीडियो को स्टार्ट करते समय मेरे को दो इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है? ऐसे बोलूँगा तो फिर याद रहेगा, अदरवाइज वो माइंड से स्किप हो जाएगा। पढ़ाना तो है ही, यहाँ पे स्टार्ट करना ही है। देखो, लवजी सीरीज़ स्पेशली सैटरडे संडे को दो वीडियो आपको मिलेगा रिलेटेड टू क्लास 12। हम क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि क्लास 12 की सारी थियोरेटिकल पार्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है? और ये होगा 90% न्यूमेरिकल्स, 10% थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक व्यू काइंड ऑफ वीडियो। तो जो बच्चा पार्टी के लिए न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, वो अगर इन वीडियोस को देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो न्यूमेरिकल से भी आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा, मेरी गारंटी। पहला सबसे बड़ा बात। और दूसरा सबसे बड़ा वाला बात ये है कि बहुत सारे कमेंट आए कि सर लवनी यानी कि नीट के बच्चों के लिए भी, तो भले ही मैंने यहाँ पर जी नाम रखा है लवजी, बट इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ जेई के स्टूडेंट ही देख सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है बच्चा पार्टी कि अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग न्यूमेरिकल विथ फिजिक्स, तो सिंपल है, आप ये वीडियो देखो और फिर न्यूमेरिकल से अपना डर भगाओ। क्योंकि मेरा पूरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि थ्योरी मैंने पूरी करा रखी है इस चैनल पर, तो न्यूमेरिकल्स को अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो आप चाहे बोर्ड सिर्फ देखना चाहते हैं, या फिर आप जेई के स्टूडेंट हैं, या फिर आप नीट के स्टूडेंट हैं, अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं रहेगी। और दूसरा सबसे खास बात, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा जो कि रात को एग्जैक्ट 10:15 या 10:20 के आसपास आया हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि मैं हर एक सैटरडे और संडे को जो लेक्चर लेने वाला हूँ उसकी DPP आप तक पहुँचाऊँगा। तो पहले तो मुझे लगा था कि व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाए और फिर सब जुड़ जाए। बाद में हमको पता चला, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर व्हाट्सअप में तो ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ नहीं सकते, तो बेस्ट ऑप्शन लगा टेलीग्राम। थैंक्स टू दैट स्टूडेंट नेम जगन्नाथ जिसने मुझे हेल्प करा, और फिर मैंने फटाफट आज ही आफ्टरनून में, अब वीडियो तो आपको रात को मिलेगा, आफ्टरनून में मैंने टेलीग्राम बना दिया बच्चा पार्टी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जो कि चैनल है टेलीग्राम पर जो मैंने बनाया है, उसे आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्योंकि जब आप उसे ज्वाइन कर लोगे और यहाँ से मैं DPP सेंड करूँगा तो ही आप तक वो पहुँचेगा। उसके लिए आपको पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा आपके सेलफोन में, अदरवाइज वो लिंक ओपन नहीं होगा। तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ और उस लिंक पे चले जाओ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे ज्वाइन कर लो, और फिर यहाँ से जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, आप जैसे ही वीडियो देखते हैं, उसके 2-3 घंटे के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। 2-3 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और फिर वो ज्वाइन हो जाए, उसके बाद मैं उसे शेयर कर दूंगा। देखो, DPP में खास बात ये रहेगी कि आपने ये लेक्चर देखा तो इस लेक्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसे आपको सॉल्व करना है, प्लस एट द सेम टाइम थोड़े टाइम के बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। और अगर आपको उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, तो वेरी नेक्स्ट टाइम जिस क्वेश्चन में आपको DPP के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया है वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे लिखना, मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर ही अपलोड करूँगा, ठीक है? तो दो इंपॉर्टेंट बात से अपना क्लास आज स्टार्ट करता हूँ। लवजी सीरीज का पार्ट 1 है, जय भोलेनाथ हर हर महादेव। पहला नंबर तो ये है कि चाहे जेई के स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के, सभी के लिए है ये, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये देखते हो तो 101% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, द डे विल कम आपको इश्क मोहब्बत न्यूमेरिकल के साथ भी हो जाएगा। दूसरी सबसे खास बात, टेलीग्राम, उसे जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं यहाँ से DPP शेयर करने ही वाला हूँ, ठीक है? हो सकता है नोट्स भी शेयर करते जाऊँ, क्योंकि ये जो आप लिखते हो कभी कभी नहीं लिख पाते हो, फिर बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स की याद आती है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं ही भेज दिया करूँगा, तो मैक्सिमम लोग उससे जा करके जुड़ जाइए। लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी, ठीक है? क्विक व्यू पहले, बाद में हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और आज का जो क्लास होगा वो कूलम्ब्स लॉ तक चलेगा, तो बने रहो। कूलम्ब्स लॉ तक जाने के बाद हम कूलम्ब्स लॉ को सॉल्व करने के तरीकों को सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को सीखने वाले हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं 4 से। छोटी छोटी बातें होती है बच्चा, अगर क्विक व्यू है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से रहनी भी चाहिए, ठीक है? चार्ज बेसिकली इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, ऐसे अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर देते हैं, साउथ और साउथ भी रिपेल कर देता है। वैसे ही चार्ज भी एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो कि फोर्स क्रिएट करता है, मे बी अट्रैक्शन,
मे बी रिपल्सन. देखिए लिखा भी है इंटरनल प्रॉपर्टी क्रिएट्स फोर्स, ऐसे याद रख लीजिए. अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है. फिर चार्ज दो तरह का, वैसे न्यूट्रॉन भी है जो एटम के अंदर आते हैं, बट ऐसे बेसिकली देखा जाए तो देर इज़ टू टाइप्स ऑफ चार्ज. वन इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा है प्रोटोन. वैल्यू आपको याद करनी है. इलेक्ट्रॉन पर की जो चार्ज की वैल्यू है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर का जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. साथ ही साथ में आपको ये भी याद करना है यार, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, इसे नोट कर लीजिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम. मेमोरी कार्ड में स्टोर नहीं होगा, यू कांट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली अगर कोई पूछ लेता है चार्ज क्या है, कोई बहुत महान आदमी आया चार्ज क्या है, सिंपल बोलो ना भाई साहब, चार्ज की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि फोर्स क्रिएट करता है, जैसे मैग्नेट का फोर्स क्रिएट करता है, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर देता है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर देता है, उसी तरह से चार्ज भी है. अब जरा सोचिए अट्रैक्शन कब होगा, प्लस प्लस चार्ज के बीच में या फिर प्लस और माइनस? ऑब्वियसली आपको पता है प्लस और माइनस विल अट्रैक्ट, यानी कि अगर एक प्रोटॉन है कहीं पे और अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दे विल 101% अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर कहीं पे एक प्रोटॉन प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, दे विल रिपेल ईच अदर. बट विच अमाउंट ऑफ फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसे जानने के लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज का एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाना. जैसे मेरे पास में अगर एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, अगर चार्ज्ड बॉडी है इसका मतलब कि उसके अंदर या तो सिर्फ प्लस है या तो सिर्फ माइनस है, क्योंकि अगर प्लस और माइनस दोनों होगा तो वो बॉडी न्यूट्रल हो गई. बात आ रही समझ में? न्यूट्रल का क्या मतलब है? देखो दुनिया में हर जगह पे चार्ज है, इवन मेरे बॉडी पे भी चार्ज है, आपके पास भी चार्ज है, ये मोबाइल की स्क्रीन या फिर लैपटॉप जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर भी चार्ज है. बट वो जो चार्ज है वो सब न्यूट्रल है. कहने का मतलब है कि जितना प्लस होगा उतना वहाँ पर माइनस होगा, आप उसे टच करेंगे तो कोई झटका नहीं लगेगा. लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि आपके घर में जो फैन चल रहा है उसके वायर को टच करो, तो आप नहीं टच करेंगे, क्योंकि आपको पता है झटका लगेगा. तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ माइनस चल रहा है, उस वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है. ऐसे समझो फर्स्ट टाइम है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा या तो प्रोटॉन दौड़ रहा होगा, मतलब एक ही चार्ज चलेगा तो यू विल गेट अ झटका. दैट इज अ काइंड ऑफ करंट विच वी विल लर्न इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इंडक्शन एक्चुअल में है क्या? इंडक्शन एक्चुअल में है कि आप एक बॉडी लो जो कि चार्ज्ड हो, यानी उस पर या तो सिर्फ प्लस हो या तो उस पर सिर्फ माइनस हो, लाइक दिस, ठीक है. उस चार्ज्ड बॉडी को अगर आप एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास पे रखते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचार्ज्ड? अनचार्ज्ड का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ प्लस और सेम नंबर ऑफ माइनस. ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज है ही नहीं, चार्ज है, लेकिन जितना प्लस उतना ही माइनस. तो पहले ये जो माइनस था और ये जो प्लस था वो स्टार्टिंग में बच्चा यहाँ पर रहता है ऐसे बीच में, इसीलिए बॉडी न्यूट्रल है. लेकिन जैसे हम ये प्लस वाले को इसके पास लाते हैं, ये मस्त एक्साइटेड करता है. किसको? क्योंकि प्लस की ताकत है माइनस को खींचने की, तो जितने भी इसके अंदर माइनस चार्जेस होंगे वो सब के सब इस सरफेस पे आ जाएंगे, और जितने भी प्लस यहाँ पर है इसके अंदर वो सब प्लस इससे रिपेल होकर भाग जाएंगे, वो दूसरे सर्फेस पर चले जाएंगे. अब आगे थियोरेटिकल कहानी है, ऐसे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ. चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है एक चार्ज बॉडी को दूसरे के पास में लेके आना और फिर उसको भी चार्ज कर देना. फिर अगर मैं इसको ऐसे अर्थिंग कर दूँ, ग्राउंडिंग, अर्थिंग समझते हैं ना, आज भी गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो जैसे अर्थिंग करते हैं ना, तो अर्थ करता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब अर्थ में चले जाते हैं. अब अर्थ का सर्फेस इतना बड़ा है कि कुछ चार्ज अगर उस पर चले भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. अब अगर आपने ये वायर ही हटा दिया तो इसके अंदर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्लस. अगर आप इसे भी हटा देते हैं, जैसे पास में रखे थे उसे भी हटा दीजिए, तो अब इसमें प्लस आराम से घूमेंगे. तो देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ हो गई. पहले जो बॉडी अनचार्ज थी जिसे आप टच करते थे या नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ झटका, अब क्या हो गया, उसके अंदर सिर्फ प्लस आ गए. तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. वैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन के बहुत सारे फॉर्म हैं, बट हमें लवजी सीरीज़ के अंदर न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है, तो थ्योरेटिकल पार्ट की इतनी खास आवश्यकता है नहीं. लेकिन फिर भी बच्चा पार्टी जो पहली बार यहाँ आता है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट जितना भी इसमें चाहिए वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया. चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 कम्युनिकेशन सिस्टम तक, 14-15 जितने भी चैप्टर आपके क्लास 12, तो वहाँ पर आप उसका एंजॉय कर लीजिए. ये चल रहा है हाईलाइट क्विक रिव्यू, राइट. तो ये हो गया. बट
मैंने आपसे कहा है कि न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, तो इनवर्स एक क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा नहीं है, मतलब कि एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ट्रिक नहीं होता, बट इसका एक ट्रिक होता है। अगर मान लो इसके ऊपर 100 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है, कहानी ध्यान से सुनिए, फर्स्ट वाले के पास में 100 है, सेकंड वाले के पास 0 है, अगर मैं दोनों को ऐसे पास में लाऊं, ऐसे छोड़ दूं, निकाल दूं, मतलब बाहर कर दूं, किसी को निकालना नहीं है, दोनों को सेपरेट कर दूं, तो सेपरेट करते ही होगा क्या कि दोनों पे चार्ज एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे, 50-50। आपने 50 आंसर कैसे दिया, तो आपने जो 50 आंसर दिया वो इस तरह से दिया होगा, 100 + 0 / 2, यानी कि आंसर आया 50। आपने डिवाइड बाई 2 क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी का इंट्रैक्शन है, बस ये ट्रिक बन गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि एक बॉडी के पास 10 है, दूसरे के पास भी 10 है, तीसरे के पास कुछ नहीं है, तीनों को पास में लाए, लोगों ने गेम खेला और फिर अलग कर दिया, तो सम ऑफ चार्ज कितना हुआ, 10 + 10 + 0। इमेजिन करो, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इश्क मोहब्बत में पढ़ जाओगे अगर आपने फिजिक्स को इमेजिन करना सीख लिया तो, और ये ही इस चैनल की खास बात है, यू विल बी इन इश्क एंड मोहब्बत। वैसे थ्योरी के साथ करा दिया है, अपनी न्यूमेरिकल की बारी है, ध्यान से, 10, 10 and 0, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉडी 3, यानी सबके पास आफ्टर सेपरेशन कितना चार्ज हो जाएगा, 20/3, 20/3, 20/3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलेंगे कि दो स्फीयर को पास में लाया, अलग करा, न्यू फोर्स क्या होगा, सब सिखाता हूँ इसी क्लास में, टेंशन मत लो, बस बने रहो, और जो भी चीज़ें सिखाऊँ मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर करते रहना, रात को एक बार रिवाइज करके सोना, मज़ा आएगा। अगर इतनी शिद्दत के साथ रिवाइज करना कि मम्मी अगर लात मार के उठाए ना, तो मम्मी को ही बोलना मम्मा रुको कूलम्स लो, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये ट्रिक हो गया, सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी। यहाँ पे जो कहानी सुना है उसमें मैंने बोला अट्रैक्शन रिपल्सन लगता है चार्ज के बीच में, अट्रैक्शन रिपल्सन लगता है, लेकिन अट्रैक्शन कितने तेजी से हुआ या रिपल्सन कितनी तेजी से हुआ वो बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के बहुत ही पास में अगर लोहे के टुकड़े को रखूँ तो बहुत जल्दी से चिपका लेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर उस आयरन के पीस को थोड़ा डिस्टेंस पर रखूँ तो हो सकता है वो धीरे से चिपकाए, वहाँ पर तक उसका अट्रैक्शन फोर्स ना पहुँचे। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि अगर अट्रैक्शन लगा भी रहा है चार्ज और रिपल्सन लगा भी रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। आपको याद होगा ग्रेविटेशन लॉ, जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है 11th क्लास, कि ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी इस यूनिवर्स में मासेस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी बॉडी है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा बाबा न्यूटन ने कहा था। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स था वो हमेशा दोनों मास के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, चमका मैंने जो बोला, दैट एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 / r2। m1 इज द मास ऑफ वन बॉडी, m2 इज द मास ऑफ अदर बॉडी। जैसे कि सन और अर्थ, सन सेंटर में है, अर्थ घूम रहा है, तो उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगा है, उसकी वैल्यू कितनी है, g m1 m2 / r2। वो g तो कॉन्स्टेंट है ना, कैसे आया, प्रोपोर्शनल करके। तो बेसिकली जिस तरह से मास से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान सुनो, मास से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह से चार्ज से रिलेटेड कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इसको बोलते हैं। बाबा कूलम ने करा क्या, बाबा कूलम ने ये करा कि जो मास थे उसको रिप्लेस कर दिया चार्ज के साथ। दिस मीन्स वॉट, कि अगर आपके पास में दो चार्ज है, ध्यान से कहानी सुनना, और वो वैक्यूम में है, हवा मान लो, तो Q1 और Q2 अगर के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस है, से दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है F, दैट इज k Q1 Q2 / r2, ये होगा। जैसे g m1 m2 / r2, वैसे फोर्स इतना, उसमें g कांस्टेंट था 6.67 × 10⁻¹¹, इसमें k कांस्टेंट है विच इज 9 × 10⁹, क्लियर। k का एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, 1/4πε₀, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, अ काइंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। थोड़ा फील करा देता हूं, जैसे कि 10th क्लास में सुना होगा नाम आपने, सुनोगे 12th में भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल जॉब क्या होता है वो फील क्या कराता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये फील कराता है कि मीडियम कितना रेयर है, कितना डेंस है फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द लाइट रेस। जैसे कांच का
ग्लास है और हवा है तो हम बोलेंगे कि हवा बहुत अच्छा मीडियम है, इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. एट द सेम टाइम जो ग्लास है वो इतना अच्छा मीडियम नहीं हुआ क्योंकि वो डेंस है फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. वो बताया कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हवा के लिए 1, वाटर के लिए 1.33 और ग्लास के लिए 1.5. उसी तरह से ये एप्सिलॉन नॉट है. बट एप्सिलॉन नॉट इज नॉट फॉर लाइट रेज, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट रेज, बट इट इज़ फॉर EFL, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए मीडियम कैसा है वो बताने वाली क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट है. इन फ्यूचर यू विल लर्न कि हम अलग नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को. देयर विल बी अ यूनिक रिलेशन व्हिच यू विल लर्न लेटर. चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट उसकी भी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 8.85 × 10^-12 अपोजिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ के विच इज कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. दोनों मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो. बट बच्चा, ये जो चार्ज है वो वैक्यूम में है. जरूरी तो है नहीं कि चार्ज हमेशा वैक्यूम में ही रहे. अगर मान लो कि चार्ज हमारा कोई और मीडियम में चला गया, कोई और मीडियम इन द सेंस पानी में चला गया, केरोसिन में चला गया, अरे कहीं भी जा सकता है, ऑयल में भी जा सकता है. तो हर एक मीडियम का ना अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. ध्यान से सुनिए, हर एक मीडियम का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. उस कांस्टेंट को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मेमोरी कार्ड में स्टोर करो. डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है काइंड ऑफ इंसुलेटर. जैसे ये पेन इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है. आपके घर में वो सारी चीज़ें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, वो सब इंसुलेटर है, वो एक तरह का मीडियम है. लेकिन हर एक मीडियम का अपना खुद का एक कांस्टेंट है. जैसे मैं बोलूँगा ये वाले भैया का 2 है, कांस्टेंट 2 है, मैं 2 हूँ. ये बोलेगा मैं तो 4 हूँ. आपके घर में और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, वो बोलेंगे मैं 4, मैं 6, मैं 8. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स होता है, विच विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल. नो नीड टू डिस्कस ऑन दैट. सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर. और वो कैसे आया, क्या आया, वो कैपेसिटर की कहानी में सिखा दूंगा. खैर, अभी के लिए क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? काइंड ऑफ इंसुलेटर, जिसकी खुद की एक वैल्यू है. तो हमने क्या कहा कि वैक्यूम के जगह पर अगर मैं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दूँ, द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. ये देखिए इक्वेशन, दैट इज FM इज इक्वल टू 1/4πε Q1Q2/r2. ह्यूज डिफरेंस. एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब वैक्यूम होता है, लेकिन एप्सिलॉन के आते ही ये मीडियम की बात हो जाती है, इसलिए यहाँ पर FM लिखा. अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या कहा? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो एप्सिलॉन क्या हुआ? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. जो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऑयल, केरोसिन. वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल ऑन इट. आगे नॉर्मल फोर्स K Q1Q2/r2, K की जगह पर ये वैल्यू रख दिया. अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, इससे इसमें या इसको इसमें, तो डिवाइड करने पर आता है, इसको डिवाइड करिए F/FM को, तो एप्सिलॉन नॉट 1/εε/εnaught. अच्छा, मैंने यहाँ पर गलत किया. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. ये हम कर देते हैं FM अपॉन में F. अब सही है? हाँ. तो FM अपॉन में F करेंगे तो 1/4π देखिए कट रहा है, Q1/Q2/r2 भी कट रहा है, सब कट रहा है. तो 1/εε, ये आपको ना समझ पड़े तो ऐसे पूरा कर देते हैं, 1/εε और फिर 1/εnaught. ये ऊपर चला जाएगा. जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन. और इसे जब आप इस तरह से लिखेंगे F/FM इज इक्वल टू εε/εnaught, तो इसी εε/εnaught को K बोलते हैं, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. अब देखिए ये फॉर्मूला है. डीप में जाना है तो रेकमेंड करूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सचिन सर यूट्यूब पे सर्च मारिए, चले जाइए उसमें. क्विक व्यू में इसी तरह से हम करेंगे, फिर भी आपको फील तो आया ही होगा 101%. जैसे क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर है, कोई बुराई वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए. फिर इसका एक फार्मूला है εε/εnaught. एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड εε/εnaught इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. और फिर उसको एक और सिंबल से लिखते हैं, ER. देखिए आते जा रहा है बहुत सारा, यही होता है फियर. हमारा स्टार्ट होना यहीं से शुरू हो जाता है फिजिक्स में, जब बहुत सारे फॉर्मूला आना शुरू होते हैं. और प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम ना सबको इग्नोर मारना शुरू करते हैं. इग्नोर मत मारो.
बुक में खाली लिखा होगा एफ अपॉन एफ एम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट आगे का क्या, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आगे का ये स्टेप है कि वही अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम के बोल रहे हैं, उसी को हम एप्सिलॉन आर भी कह रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दुनिया भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर मान लो ऐसा बोला कि दो चार्ज हवा में है और उसके बीच में फोर्स 10 न्यूटन है, अब मैं उसे किसी ऑयल में लेके जाता हूँ जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो बताइए उसमें फोर्स कितना लगा, ख़त्म, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये लगा दिया हवा में 10 था, केरोसिन में या कोई मीडियम में, चाहिए मुझे एफएम फाइंड करना है, के की वैल्यू दी है 2, एफएम सब्जेक्ट बनाइए ना, सीधा सीधा आंसर आ गया 5 न्यूटन। सो यू कैन डू इट ओनली व्हेन यू हैव द फॉर्मूला इन योर माइंड, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। आज के क्लास के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट, और अब हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो फटाफट यार, जितने लोग फॉलो करोगे उतना जल्दी से मैं डीपीपी शेयर करूँगा, ठीक है। चलो बच्चा, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। याद रखना मेरी बात, जिन लोगों ने भी दिल से पढ़ लिया ना आज का क्लास, दिल से, लाइफ टाइम तक आप कूलम्स लॉ कभी भी गलत नहीं करोगे, ऐसी मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा काम बस इतना सा है कि मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी, भगवान का आशीर्वाद, आप सबका प्यार कि फिजिक्स आसान हो जाता है लोगों के लिए, और फिर लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं इसी बात पे, जो है अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखिए, कूलम्स लॉ को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप लिखा है। स्टेप 1, ऑब्जर्व द चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। स्टेप 2, ऑल विल बैंग बैंग, इसका मतलब है सब लोग मिलके मारेंगे, ऑल विल बैंग बैंग। स्टेप 3, इफ एनी वन इज नेगेटिव, धोखा, ये क्या है सब समझाता हूँ, कोई भी नेगेटिव है तो धोखा मिलेगा। और स्टेप नंबर 4, अप्लाई द वेक्टर लॉ, जो क्लास 11 में पढ़े हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ऐसे मिलता है, ठीक है। आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा ये रहा, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और आप उसे सॉल्व करिएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें फाइंड करना है मुझे नेट फोर्स एट द चार्ज क्यू, अभी तीन तीन चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है यहाँ पे, स्मॉल क्यू चार्ज, और मुझे उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। ये स्क्वायर है, सबकी साइड ए ले लेते हैं, दिया रहेगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो पहला स्टेप कहता है ऑल द, ऑब्जर्व द चार्ज, चार्ज को ऑब्जर्व कर लो, 4 चार्जेस है, फिर ऑल विल बैंग बैंग, ऑब्जर्व द चार्ज के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क, मार्केट, मार्केट का मतलब है मार्केट नहीं, मार्क इट, इन द सेंस कि जिस पर हमें फोर्स फाइंड करना है उस चार्ज को मार्क कर लो, कि मुझे इस पर फोर्स फाइंड करना है। मैं नेम दे देता हूँ इसका, इस पॉइंट का 1, 2, 3 एंड 4, मैं निकालना जा रहा हूँ 1 पे, आप किसी पे भी निकालो, इस पे निकल सकता है, जैसा सवाल पूछा 2Q पे भी निकल सकता है, तरीका सही है। सो इन केस आई हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, देन आई हैव टू ऑब्जर्व कि कितने लोग बैंग बैंग करेंगे, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्या ये खुद से बैंग बैंग कर सकता है, खुद पे बैंग बैंग कर सकता है, हम आपको बोलेंगे अपने आप को मारिए, मारेंगे क्या, नहीं। इस चीज को फिजिक्स में कहते हैं सुपरपोजिशन लॉ, कि व्हेन वी हैव टू फाइंड अ फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इन अ सिस्टम, देन ऑल द रिमेनिंग चार्जेस विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। यानी सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो कोई भी एक चार्ज पर निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि बाकी जितने लोग हैं मिलकर उसको धड़ाधड़ मारना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये है, ये मारेगा, ये मारेगा और ये मारेगा। अब चलिए सबका डायरेक्शन देखिए, इस पे अगर इसने फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन 100% इसी तरफ है, मानते हो इस बात को, क्योंकि ये मार खा रहा है, तो बिकॉज ऑफ 2 द फोर्स ऑन 1 इज रिटन बाय दिस F12, जो फोर्स के पास पहले है उस पे लगेगा पहले, यानी वी विल रीड इट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, दो बाजू में है, दो वाला भाई साहब मार रहा है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और इसकी जो वैल्यू हुई बाबा कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2, यानी कि Q का स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए x। ऐसे क्वेश्चन को x कंसिडर करके सॉल्व करना बहुत जल्दी होता है। इसी तरह से बच्चा, अगर मैंने निकाला F1 और फिर 4, F14, तो इसका डायरेक्शन धैन धड़न से ऊपर चला गया, और इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई K Q² / A² एंड देन x, क्योंकि ये भी कितना है, x है। अच्छा, इसने तो मार लिया, इसने भी मार लिया, लेकिन अब ये वाला चार्ज बाकी, ये भी मारने जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसा ही ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गया? ओके,
अब कभी भी आपको रिजल्ट निकालना है तो हमेशा दो वेक्टर जिसको आपने स्टार्टिंग में सॉल्व करा है उसको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि अब ये तीनों का मैं एडिशन कैसे करूं, नहीं हो सकता ना। अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आई हैव टू गेट ओनली ए एंड बी, बट यहाँ तो तीन तीन फोर्स हो गए, F12 भी है, F14 भी है, और ये जो इधर जा रहा है ये हो जाएगा आपका F1 एंड देन 3, विच मीन्स 4 + 1 ड्यू टू 3, और ये होगा के क्यू इंटू 2Q, दैट इज 2Q का स्क्वायर अपॉन, मेन आ गई बात, गलत मत करना। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अगर ये ए है बच्चा, ये भी ए है, तो बताइए कितना, √2a, बट नीचे r का स्क्वायर होता है इसीलिए ये होगा 2a का स्क्वायर, ठीक। ये 2 से 2 कट गया तो ये भी कितना आ गया, x, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा कि रिजल्ट पहले स्टार्टिंग में जो आपने करा उसका निकाल लो, जैसे ये वाला जो फोर्स था F12 और ये जो फोर्स है वो है F14, इन दोनों का आप रिजल्ट मान लो R1 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका जो रिजल्ट हुआ वो कैसे निकलेगा, F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर प्लस 2F12F14 एंड देन cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यह आया √F12 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यह आ गया √2x। और जो रिजल्ट होता है बच्चा दो वेक्टर का, उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट व्हिच वी आर गेटिंग ड्यू टू F12 एंड F4, ऐसे बीच में से फेंक दो। अब इसका डायरेक्शन भी इधर है और लास्ट वाले का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो फाइनल आंसर को प्लस करना चाहिए कि माइनस, ऑब्वियसली प्लस, क्योंकि अगर मैं आपके पास में एक रामबाण भेज दूं 10 न्यूटन का और दूसरा भी 10 न्यूटन का रामबाण भेज दूं, तो कितना भेज दिया भाई साहब, 20 न्यूटन, लेकिन एक आपकी तरफ आए ऐसे और एक मेरे साइड आ जाए ऐसे, तो रिजल्ट कितना हुआ, 0। यही चीज ऑब्जर्व कर दी है, तीन फोर्स थे, तीन में से दो का मैंने रिजल्ट निकाला, डायरेक्शन हमेशा बीच में से कर दीजिए और जो लास्ट वाला बचा है उसको ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना है, अपोजिट है तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसका जो फाइनल आंसर है, रिजल्ट है, वो होगा R1, ये रहा R1 और ये कौन सा था F13, तो बच्चा R1 आया है √2x और F13 यस एक्स, सो एक्स को मैंने कॉमन करा √2 + 1, एक्स की वैल्यू किसको मान लिए थे, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर √2 + 1, ये आपका फाइनल आंसर है ना, इजी। अब एक नेगेटिव वाला भी देख लो, ऑब्जर्व करो स्टेप नंबर 1 से, कोई भी क्वेश्चन हो तो चार्ज वाले में ऐसे ही स्टार्टअप करो। ऑब्जर्व करा तो मेरे को पता चला 5 चार्ज है, मतलब कि एक तो मार खाएगा तो चार लोग मिलके मारेंगे, मतलब 4 फोर्सेस शुड बी देयर इन दैट न्यूमेरिकल, ओके। तो मुझे फाइंड करना है एट ए, तो देखो ए पे तो पहले मार देगा एफ ए बी, डायरेक्शन इधर है और उसकी जो वैल्यू है मैंने x लिखा, x आप समझ रहे होंगे के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, साइड को आप स्मॉल a मानो। एफ ए बी के बाद बारी आती है एफ ए डी की और ये भी क्या होगा x, इसका डायरेक्शन इधर है। अब बचे हुए दो चार्ज हैं, एक तो ये सेंटर वाला और एक ये, पहले हम इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है R1, तो R1 जो हुआ वो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, इसीलिए फिर से वही फॉर्मूला cos 90 0, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 विच इज 0, तो R1 आ गया √2x, ठीक है, R1 आ गया। अब देखिए जब ये वाला भाई इसको मारेगा, मान लो इसका नाम O है, तो मैंने लिखना है FAO, राइट, फोर्स ऑन A ड्यू टू O, और इसकी जो वैल्यू हुई वो हो गई K, फिर Q और फिर यहाँ पे भी Q अपॉन में ये डिस्टेंस, ओनली ये डिस्टेंस। अगर मैं ये पूरा लाइन ड्रॉ करता तो इसकी तो वैल्यू कितनी थी, √2a, बट सिर्फ a से लेके o तक कितना है, एग्जैक्टली उसका हाफ, तो ये हुआ √2a/2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला कहता है k q1 q2 / r का स्क्वायर, यानी ये बनेगा
के क्यू का स्क्वायर, नीचे वाला 2 का स्क्वायर 4, और ये है 2a का स्क्वायर। तो 2 के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेसिकली मेरे लिए क्या है, x है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x। यहाँ से ये देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है सिर्फ डायरेक्शन में सिखा रहा हूँ, तो उसको मैंने ले लिया x, तो 2x हो गया। अब अगर f a o 2x है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चा, ये रहा 1 और ये रहा O, ये मार रहा है तो डायरेक्शन भी इधर आ गया। अब आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा रिजल्ट R1 की डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, एफ ए ओ का। अब बात आती है सबसे लास्ट वाले भाई साहब की, जो कि है एफ ए सी के बारे में, देख रहे हैं ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, जितने बचे होते हैं सबके सब मिलकर फोर्स मारते हैं, निकाल लो उसको। तो के Q चार्ज एट पॉइंट A, Q चार्ज एट पॉइंट C, Q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट टू ए, यानी कि 2a का स्क्वायर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब भी आप कूलम्स लॉ सॉल्व करो और खास करके ये मेथड सॉल्व करो, तो नेगेटिव चार्ज कहीं पर दिखे तो धोखा, इन द सेंस आपको डायरेक्शन चेंज करना है, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होना चाहिए। सी किसी भी फोर्स में मैंने वैक्टर का साइन नहीं लगाया, तो आपको वेक्टर का साइन अगर नहीं लगाया है तो यू कांट टेक नेगेटिव चार्ज, यू हैव टू टेक पॉजिटिव चार्ज एट द एंड, फॉर दैट नेगेटिव यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, यानी धोखा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, तो लगेगा कि सी तो मार रहा है ए को, तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। क्लियर बात अच्छे समझ में आ गई। कोई भी एक चार्ज नेगेटिव होता, चाहे ए होता या फिर सी होता, अगर मेरे को ए पे चार्ज माइनस किया है मैंने इस लास्ट सिचुएशन के लिए, और मैं यहाँ पे प्लस कह रहा हूँ और मुझे फाइंड भी करना है ए पे, या फिर मैं कहूँ कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बताइए, तो लगेगा कि डायरेक्शन नीचे आएगा, बट नीचे नहीं जाके वो फिर से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और दोनों नेगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा चलिए, दोनों पॉजिटिव हो देर विल बी नो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज ओनली एसोसिएटेड विद द सिंगल चार्ज, वेन एवर द सिंगल चार्ज इज नेगेटिव योर डायरेक्शन विल बी अपोजिट। क्लियर मेरी बात, ओके। सो हमने एफ ए सी भी निकाल लिया और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आप देख सकते हैं, दिस विल बी एज एक्स, सो दिस इज योर एक्स बाई टू। नाउ नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ ए सी विल बी इन दिस वे, क्योंकि ए पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सी, तो लगना चाहिए ऐसे ऊपर आना चाहिए, बट नहीं आकर के कहाँ जाएगा, नीचे। अब आप देखिए, एक तो ऊपर था पहले से आर वन, दूसरा एक और आया ऊपर एफ ए ओ, ये रहा, और तीसरा गया नीचे एफ ए सी। तो जो जितने फोर्स एक डायरेक्शन में उसको प्लस कर देंगे और जितने फोर्स दूसरे डायरेक्शन में उसको क्या कर देंगे, माइनस। जिस तरफ ज़्यादा होंगे वो प्लस लीजिए और उसके अगेंस्ट वाला माइनस, यानी जो फाइनल एफ नेट है, या मैं कह दूँ कि एफ ए आपकी आर वन प्लस एफ ए ओ प्लस एफ ए सी, दिस इज द फाइनल आंसर। बस इसके बाद तो आप कॉमन लेके कर ही सकते हैं, राइट। सो आई होप कि ये जो दो न्यूमेरिकल हैं, ये दो न्यूमेरिकल आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेंगे। और भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप डीपीपी से जरूर सॉल्व करना। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो यू कैन टेक इट। ओके बच्चा, इसका हम लोग दूसरा पार्ट सीखते हैं कूलम्स लॉ का, और ये बड़ा ना फेमस वाला क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं जो लटका हुआ है और जो दूसरा वाला है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, चाहे आप डीसी पांडे यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्कोरर यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सल, आपको हर जगह पर ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, थर्ड वाले में ऐसा बोल रहा है कि दो स्फीयर लटकाए गए हैं एक फिक्स सपोर्ट से और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। सीधी सी बात है, अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस और प्लस तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। तो उन्होंने रिपेल करा और उनके बीच में एक एंगल बन गया, ऐसे रिपेल कर दिया, प्लस और प्लस एंगल बन गया, यहाँ पर कोई एक एंगल बन गया, एंगल बना, अगर मान लो 60 डिग्री है तो अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा तो ये वाला एंगल एग्जैक्टली 30 डिग्री हो जाएगा, वो कुछ भी है पता नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि जैसे ही इस सिचुएशन को, यानी दोनों चार्ज जब हवा में लटक रहे थे और उसके बीच में थीटा जितना थी, जो भी बना एंगल बीच में लाइन खींचने के बाद थीटा, वैसे आप 2 थीटा समझ लीजिए, इधर भी थीटा और इधर भी, यानी 60 डिग्री, तो 30 हो गया, वो मैंने समझाने के लिए इधर थीटा कर दिया। तो यही वाले सिचुएशन को अगर मैं किसी ऐसे मीडियम में लेके जाऊँ जो कि हवा नहीं है, बट कोई एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है, लिक्विड में लेके गया, मान लो वो केरोसिन है, ऐसा मान लेते हैं कि मैं इसको केरोसिन वाले मीडियम में लेके गया जिसकी डेंसिटी, केरोसिन की डेंसिटी रो 0 से रिप्रेजेंट करा है। जनरली होता क्या है ना, कोई भी लिक्विड होता है ना, तो उसकी डेंसिटी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझाता हूँ, अभी उसी पॉइंट पर आने वाला हूँ, वेट फोर्स बायंसी के बारे पे, लेकिन लिक्विड को हमेशा आप 0 से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये जो स्फीयर था उसकी डेंसिटी कितनी होगी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हवा में था, एंगल थीटा बना, बाद में उसे किसी मीडियम में लेके गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है, मीडियम की डेंसिटी दी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देन वी हैव टू फाइंड कि भाई उस स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी। और एंगल सेम रहता है, एंगल चेंज नहीं हुआ, यानी पहले भी 60 का 30 हुआ और यहाँ पर भी थीटा हो गया 30, जो भी है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा क्लास 11 आ जाता है। रस्सी कभी भी लटकी हो तो समझ जाइए वहाँ टेंशन फोर्स लगेगा, ये बात याद रखो। और अगर ये थीटा है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा, तो ये भी कितना हुआ थीटा। थीटा के तरफ ना बच्चा एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कॉस कहते हैं। अगर ये वेक्टर ऐसे है तो थीटा साइड इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट एंड द अगेंस्ट वन इज ऑलवेज सेट टू बी द साइन कंपोनेंट। और दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, वेट फोर्स, वो हमेशा नीचे लगते हैं, ठीक। और इन दोनों को रिपल्सिव फोर्स ने इस तरफ करा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, आप उसे जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। पहले ये हवा में था तो ये सिचुएशन, पानी में गया तो सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, टी साइन थीटा, फिर इधर यस टी कॉस थीटा, फिर नीचे एम जी भी है, लेकिन लेकिन एफ की जगह पर एफ एम हुआ, और ये जो एम जी है उसकी जगह पर कुछ और होगा, उस पर मैं आता हूँ। एम जी क्यों नहीं होगा हम अभी समझते हैं, बट पहले इस सिचुएशन में अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे U इज इक्वल टू D, अपसाइड फोर्स डाउनवर्ड साइड फोर्स दोनों सेम है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सब सेम होता है, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg। और फिर देखिए ऐसे मैंने इधर बैलेंस करा, ये इसके बराबर, T sin थीटा इक्वल्स टू F, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट F अपॉन mg, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही मैं इस सिचुएशन में आता हूँ तो एंगल तो सेम है, tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा, लेकिन F मीडियम फोर्स हो जाएगा और mg भी चेंज हो जाएगा। मीडियम फोर्स क्यों हुआ, थोड़ी देर पहले थ्योरी में करा था हमने कि जैसे ही कोई भी चार्ज लिक्विड में कोई भी चार्ज कोई और मीडियम में जाता है तो फोर्स डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उस मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाती है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ जाता है। इसीलिए ये इक्वेशन में F नहीं लिख करके हमने FM लिखा। प्लस एट द सेम टाइम, जैसे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और भारी एक समझ लीजिए स्फीयर है, उसे आपने पानी में डाला, तो उसका जो वेट है ना वो हैवी नहीं होके लाइट हो जाएगा, रियल में उतना ही रहता है, बट इसे कहते हैं अपेरेंट वेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो हमेशा लिक्विड उसको ऊपर की तरफ भेजती है, जिसे हम कहते हैं बॉयंसी। अगर आपने एक्सपीरियंस करा होगा, तो नहीं करा होगा तो एक बार जरूर करिएगा, कुएं में से पानी कभी खींचिए, जब बाल्टी पूरा पानी से भरा होता है और वो पानी के अंदर होता है, कुएं में पानी के अंदर होता है, तब आप जब उसे खींचते हैं तो बड़ा हल्का लगता है, इट फील लाइक वेरी लाइट, लेकिन जैसे ही वो सरफेस के बाहर आता है तब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कार्बाई ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है, मग लीजिए, पानी में भर दीजिए और उसको निकालिए, जब आप उसको निकालेंगे तो जब तक वो पानी के सरफेस में रहेगा तब तक वो बहुत लाइट लगेगा, लेकिन जैसे ही पानी के सरफेस से बाहर आएगा आपके हाथ पे थोड़ा सा लगेगा कि वेट बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है कि बॉडी कभी भी लिक्विड के अंदर गया तो हमेशा उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसके बॉडी के वेट को क्या करता है, लाइट कर देता है। जैसे हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहा था कि सम वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड एंड द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी देयर, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हमने करा है। जैसे mg है तो mg में से m0g भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, राइट राइट। तो अगर बॉडी का वेट हल्का हुआ, इसका मतलब है कि हमने इस mg की जगह पर लिखा mg माइनस m0g, ये इतना वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ, जो लिक्विड बाहर निकला, ये वो वाला है, ठीक है
राइट अरे भाई साहब अब देख लीजिएगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो टेन थीटा बराबर एफ एम अपॉन एम जी माइनस एम जीरो जी, और यहाँ पर भी टेन थीटा है, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इधर भी टेन थीटा और इधर भी टेन थीटा है। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस एम जीरो जी। आप देखिए कॉमन निकल रहा है यहाँ से एम, और इस एफ एम को भी हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस एफ एम को, दैट इज एफ अपॉन के स्टार्टिंग में करा, और फिर ये हो गया एम जी माइनस एम जीरो जी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से जी कॉमन है उसे मैं कट कर देता हूँ, और एफ से एफ भी कट हो गया, तो आपका ले दे करके आंसर आ रहा है एम इज इक्वल टू कैपिटल के फिर एम माइनस एम जीरो। अब ये तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी पूछा है, तो मास आ रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन जो मास में ला दे, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यहाँ रखना है, तो रो इंटू वी इज इक्वल टू के रो इंटू वी माइनस रो जीरो इंटू वी, एम नॉट की जगह पे रो नॉट आ जाएगा, और वॉल्यूम सब कैंसिल, सो रो इज इक्वल टू के रो माइनस रो जीरो, हमें चाहिए रो, तो के की वैल्यू दी है दैट इज टू, रो हमें चाहिए, अच्छा फाइंड ही करना है, तो ये हो गया टू रो माइनस टू रो नॉट, और इधर चल रहा है रो, तो माइनस रो इज इक्वल टू माइनस टू रो नॉट कट गया, तो टू इंटू ये है 800, तो फाइनल आंसर आ गया 1600 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। क्लियर बच्चा पार्टी, ग्रेट। अब देखिए आगे क्या है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है, नहीं ये आपका हो गया थर्ड, और ये वाला हुआ क्वेश्चन नंबर फोर, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने वो ट्रिक को यूज़ करना है कि बॉडी को पास ला के अलग किया, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझिए, दो बॉडी आइडेंटिकल है जिसका रेडियस भी सेम है और उस पर आइडेंटिकल चार्ज है, यानी ए और बी के पे चार्ज है क्यू और क्यू, समान लिया इसके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस और लगने वाला फोर्स एफ है, अगर वो फोर्स हम निकालना चाहें तो वो फोर्स कैसे निकलेगा, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू के क्यू का स्क्वायर, मान लो डिस्टेंस आर है, इक्वेशन नंबर वन। ठीक, अब बोला ये गया है कि कोई तीसरा चार्ज बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, तीसरा अनचार्ज्ड बॉडी, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा, उसको पहले ए के पास में लाओ और फिर उसी सी को बी के पास लेके जाओ, पहले सी को ए के पास लेके जाना है और फिर बी के पास लेके जाना है, तो अब ए और बी के बीच में नया फोर्स कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए पे चार्ज पहले क्यू था, अब सी इसके पास आया, सी पे चार्ज जीरो था, सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द बॉडी लगाया, तो इस पे भी क्यू बाई टू और इस पे भी हो गया क्यू बाई टू, अब दोनों पे इतना इतना चार्ज हो गया। अब ये q बाई टू चार्ज वाले c को मैं b के पास लेके जाता हूँ, तो c पे है मेरे पास q बाई टू और b पे है मेरे पास में q, यानी अब अगर पास लाके हम उसे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इट्स लाइक q बाई टू प्लस q डिवाइडेड बाई टू, यानी कितना हो गया q प्लस टू क्यू विच इज़ थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर, तो ये आया थ्री क्यू बाई फोर, अब b के पास भी है और थ्री क्यू बाई फोर c के पास है। एट दी एंड मुझे चाहिए फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये है ए जिसपे क्यू बाई टू है, और ये देखिए बी विच इज हैविंग थ्री क्यू बाई फोर, डिस्टेंस उतना ही रखा है, ऐसा मैंने बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर हाफ बोले तो हाफ, जैसा क्वेश्चन का डिमांड हो, तो जो नया फोर्स होगा एफ डैश वो होगा के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर अपॉन आर का स्क्वायर, तो सब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू टू 8, सो फाइनली 3 के क्यू का स्क्वायर अपॉन 8 एंड देन आर स्क्वायर, सो दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल बी दैट एफ, सो इन दिस वे वी कैन से द फाइनल आंसर इज 3f अपॉन 8, 3f अपॉन 8। सो आई होप बच्चा यू हैव एंजॉयड द पार्ट वन ऑफ लवजी सीरीज, जिसमें हमने क्विक व्यू में देखा के इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, उसके न्यूमेरिकल, और फिर ये
आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बट इतनी शिद्दत के साथ इन न्यूमेरिकल को करना, आइसक्रीम की तरह चाट जाना, आपका जो भी फेवरेट आइसक्रीम उसे समझ के खा जाना, कि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ना दे और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको उस टेलीग्राम के लिंक में, जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद कुछ घंटों में मैं अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना ताकि आपको DPP मिलता रहे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मंडे है तो कल क्लास 11 आएगा। अब सीधा आपको सैटरडे को लवजी पार्ट 2 सीरीज़ जो भी है वो मिलेगा। सो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, अदरवाइज आई विल ट्रबल यू। टेक केयर, बाय बाय।